हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज नंबर 7। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रॉप फैक्टर ऑफ पीडियाट्रिक ड्रिप सेट। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 60। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 60। पीडियाट्रिक ड्रिप सेट जो होता है उसकी 1 ml के अंदर 60 ड्रॉप्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी PPH, ऑप्शन डी एटॉनिक यूट्रस। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए प्लेसेंटा। जब गेस्टेशन के अर्ली वीक्स होते हैं मीन्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, लेकिन प्लेसेंटा फॉर्म होने के बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही प्लेसेंटा के थ्रू प्रोडक्शन होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgD। राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए IgG। IgG हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन विच डिजीज कंडीशन। कौन सी डिजीज के अंदर हमको बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए पेटेंडक्टस आर्टेरियोसस, ऑप्शन बी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी टेट्रालोजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी टेट्रालोजी ऑफ फैलोट। यहाँ पर हमें इमेज में नॉर्मल हार्ट और टेट्रालोजी ऑफ फैलोट दोनों हार्ट दिखाए गए। टेट्रालोजी ऑफ फैलोट के अंदर 4 डिजीज कंडीशंस होती है। फर्स्ट है ओवरराइडिंग ऑफ आउटा, दूसरा पल्मोनिक स्टेनोसिस, तीसरा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। दोनों ही इमेज को आप देखकर पता कर सकते हैं कि कितना चेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन इज। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स इज मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इज। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन ए इज एन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिमा इज अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। एडिमा कौन से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का साइन है। ऑप्शन ए क्वाशियरकोर, ऑप्शन बी मेरास्मस, ऑप्शन सी अंडरवेट, ऑप्शन डी न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर जो होता है उसे एडिमेटस माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ में एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नॉन एज। ऑप्शन ए चैडविक साइन, ऑप्शन बी ओसिएंडर साइन, ऑप्शन सी पामर साइन, ऑप्शन डी गुडेल साइन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी गुडेल साइन। गुडेल साइन के अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज्ड ओरल आयरन प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी फेरस ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी फेरस फ्यूमरेट, ऑप्शन डी फेरस सक्सीनेट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए फेरस सल्फेट जो होता है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड ओरल आयरन प्रिपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ सर्फेक्टेंट लीड्स टू। ऑप्शन ए ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन बी मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन डी मैक्रोसोमिया। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी लैक ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपुट सक्सीडेनियम इज। ऑप्शन ए हैमरेज, ऑप्शन बी इट इज अ स्वेलिंग ऑन द फेस ऑफ द बेबी, ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ फ्लूड इन एब्डोमन, ऑप्शन डी द स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूड अंडर स्कैल्प। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी कैपुट सक्सीडेनियम जो होता है उसके अंदर अंडर स्कैल्प जो होता है वो फ्लूड का कलेक्शन हो जाता है जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ विटामिन के इन प्रीटम बेबी। ऑप्शन ए 0.5 mg, ऑप्शन बी 1 mg, ऑप्शन सी 1.5 mg, ऑप्शन डी 2 mg।
करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 0.5 mg। प्रीटम बेबी के अंदर 0.5 mg होता है, टर्म बेबी के अंदर 1 mg होता है, रूट IM होता है। नेक्स्ट है, अदर नेम फॉर नॉर्मल लेबर इज, नॉर्मल लेबर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूटोशिया, ऑप्शन बी डिस्टोशिया, ऑप्शन सी यूटोनिया, ऑप्शन डी प्रेसिपिटेट लेबर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर यूटोशिया इज नॉर्मल लेबर, डिस्टोशिया जो होता है वो एबनॉर्मल लेबर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिपल टेस्ट इंक्लूड, ट्रिपल टेस्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं? ऑप्शन ए मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, ऑप्शन बी HCG, ऑप्शन सी अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबो। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबो। ट्रिपल टेस्ट के अंदर मैटरनल सीरम AFP भी होता है, HCG भी होता है, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियल भी होता है। ट्रिपल टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं जिससे कि हम डाउन सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और भी कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है फिटस के अंदर तो उसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर इज, ऑप्शन ए 5 to 10 mmHg, ऑप्शन बी 10 to 21 mmHg, ऑप्शन सी 20 to 30 mmHg, ऑप्शन डी मोर देन 30 mmHg। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 10 to 21 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली टू प्रिवेंट, पेरेंटरली पोटेशियम का जो प्रिपरेशन होता है वो स्लोली देना होता है क्यों? ऑप्शन ए एसिडोसिस, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऑप्शन डी ओवरलोड। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए पोटेशियम को स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोइड सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न सॉल्यूशंस में से कॉलोइड सॉल्यूशन कौन सा है? ऑप्शन ए 0.33% NS, ऑप्शन बी 0.9% NS, ऑप्शन सी डेक्सट्रान, ऑप्शन डी 50% डेक्सट्रोज। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी डेक्सट्रान। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनसेंसिबल लॉसेस ऑफ वाटर पर डे आर, ऑप्शन ए 400 ml पर डे, ऑप्शन बी 1200 ml पर डे, ऑप्शन सी 800 ml पर डे, ऑप्शन डी 1500 ml पर डे। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 800 ml पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम सिवियर एलर्जिक रिएक्शन इज, ऑप्शन ए सेप्टिक शॉक, ऑप्शन बी एनाफाइलेक्टिक शॉक, ऑप्शन सी न्यूरोजेनिक शॉक, ऑप्शन डी ट्रॉमेटिक शॉक। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एनाफाइलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, DOC फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी एड्रिनलिन, ऑप्शन सी एम्योडेरोन, ऑप्शन डी प्रोपोफोल। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एड्रिनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल क्लीनिंग आई इट हैज़ टू बी क्लीन्ड फ्रॉम, जब आईज को क्लीन करते तो कहाँ से क्लीन करना होता है? ऑप्शन ए इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ऑप्शन बी आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, ऑप्शन सी मिडल ऑफ द आई टू आउटर कैंथस, ऑप्शन डी मिडल ऑफ द आई टू इनर कैंथस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। जब भी हम आईज को क्लीन करते हैं तो हम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस करते हैं क्योंकि क्लीनिंग का जो पर्पस होता है वो मोर क्लीन एरिया टू लेस क्लीन एरिया की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिशियन ऑर्डर ऑरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू क्लाइंट, नर्स विल डू फर्स्ट सक्शन इन, हमें ऑर्डर किया गया कि ऑरल और नेजल सक्शन दोनों करना है तो नर्स सबसे फर्स्ट कौन सा सक्शन करोगे? ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी वेयर द सिक्रीशन इज मोर, ऑप्शन डी वेयर द सिक्रीशन इज लेस। करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए माउथ। जब भी हम सक्शन करते हैं तो सबसे पहले माउथ में सक्शन करेंगे क्योंकि अगर नोज में सक्शन पहले किया तो आप इससे फेरिंग्स स्टिमुलेट हो जाएगा और एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी बैग ऑफ फॉलिस कैथेटराइज्ड पेशेंट नीड्स टू बी केप्ट, फॉलिस कैथेटर से जो यूरो बैग कनेक्टेड है उसे आप कहाँ पर रखेंगे? ऑप्शन ए एट द वेस्ट लेवल ऑफ पेशेंट, ऑप्शन बी बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी ऑन द लैप ऑफ पेशेंट, ऑप्शन डी अबव द वेस्ट लेवल ऑफ पेशेंट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट।
ग्रेविटी जो होती है वो ड्रेनेज ऑफ यूरिन को प्रमोट करती है, इसलिए हमेशा यूरोबैग को बिलो द वेस्ट लेवल ऑफ पेशेंट आपको कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी फ्लूड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ लैक्टिक एसिडोसिस एंड इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन। लैक्टिक एसिडोसिस और इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन वाले पेशेंट्स के अंदर कौन सा फ्लूड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन बी रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन सी मैनिटोल, ऑप्शन डी डेक्सट्रान। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज टू असेस। ऑप्शन ए हाइड्रेशन स्टेटस टेस्ट, ऑप्शन बी लेवल ऑफ पेन, ऑप्शन सी कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ई हाइड्रेशन स्टेटस। अगर स्किन टारगेट पुअर है तो ये लेट साइन होता है डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टेरियल कैनुलेशन टू इवैल्यूएट द रेडियल एंड अल्नार आर्टरी पेटेंसी। रेडियल और अल्नार आर्टरी पेटेंसी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करना होता है? ऑप्शन ए एलन टेस्ट, ऑप्शन बी एंजियोग्राफी, ऑप्शन सी बर्जर टेस्ट, ऑप्शन डी कैपिलरी रिफिल टेस्ट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एलन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल मेजरिंग सेंट्रल विनस प्रेशर द जीरो पॉइंट ऑफ द मैनोमीटर इज एडजस्टेड टू। ऑप्शन ए एंटेरियर एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन बी पोस्टेरियर एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन सी मिड एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन डी शोल्डर लेवल। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन जो होती है वो लेवल ऑफ पेशेंट के राइट एट्रियम पे होती है, इसलिए जो जीरो लेवल है मैनोमीटर का उसे मिड एक्सिलरी लाइन पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में कौन से दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी पैराथॉर्मन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सीमन पीएच लेवल इज। सीमन का नॉर्मल पीएच लेवल क्या होता है? ऑप्शन ए 3.2 to 4.8, ऑप्शन बी 4.2 to 5.8, ऑप्शन सी 5.6 to 6.8, ऑप्शन डी 7.2 to 7.8। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 7.2 to 7.8। पीएच जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन इज। ऑप्शन ए हेमेट, ऑप्शन बी ल्यूनेट, ऑप्शन सी स्कैफोल्ड, ऑप्शन डी कैपिटेट्स। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी स्कैफोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ ए लॉन्ग बोन इज। ऑप्शन ए डायफाइसिस, ऑप्शन बी एपिफिशियल प्लेट, ऑप्शन सी बोन मैरो, ऑप्शन डी पेरिओस्टियम। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एपिफिशियल प्लेट।